नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। मैं आपको बता दूं कि किसान बिल को लेकर किसान लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए और भारत सरकार लगातार वार्ता कर रही है, उसके बाद भी कुछ तथ्य निकल कर स्पष्ट नहीं आ रहे हैं और आज भी समाधान भारत सरकार के पास नहीं है। किसान अपने जीत पे अड़े हुए हैं और भारत सरकार लगातार चाह रही है समझौता करना और बिल पास करना, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। लेकिन मैं बता दूं, जब हमारी आज बात हुई कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर से, राजेश राठौर ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से कृषि बिल है उसको वापस लेना ही होगा भारत सरकार को। अगर भारत सरकार कह रही है कि विपक्ष भड़काने का काम कर रही है, तो लगातार वार्ता करने के बावजूद भी स्पष्ट तथ्य क्यों नहीं निकल रहा है और किसान मानने को तैयार नहीं है, तो इसमें स्पष्ट कहा जा सकता है कि किसान बिल जो है उद्योगपतियों के हित में है और किसान के विरोध में है, इसलिए किसान बिल को वापस लेना ही होगा। और क्या कहा उन्होंने, अभी उनकी बातों को सुनिए। सर, लगातार धरना पे बैठे हुए हैं किसान, लेकिन केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार है कह रही है कि एक तरफ से विपक्ष भड़काने का काम कर रही है किसानों को, किसान बिल ऐसा कुछ नहीं, किसान मानेंगे, लेकिन उनको साजिश के तहत रणनीति किया जा रहा है जो विपक्ष कर रही है। माना किसानों को विपक्ष भड़का रही है, तो जो सिंधु बॉर्डर से लेकर तमाम दिल्ली के आसपास किसान जमे हुए हैं, तो उन किसानों से जाके बात करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? गांव में चौपाल लगाने की नाटक कर रहे हैं, अंततः गांव में चौपाल लगाने जाएंगे, किसान वहां के मार के लगाएगा तो गाँव के बाद फिर उनको दिल्ली ही जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली में इनसे हिसाब लेगा। किसान, इनके किसानों को अगर भड़काने का हम काम कर रहे थे, तो इनके सहयोगियों को किसने भड़काया? जो अकाली दल इनके लंबे साथी रहे हैं, लंबे दिनों तक इनके साथी रहे हैं, उनका एक सदस्य इनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, तो अपने एक सहयोगियों को तो वो समझा नहीं पाते भारतीय जनता पार्टी, जो किसान बिल किसानों के हित में है और किसानों के खिलाफ है, और पूरे भारत के किसानों की समझाने की बात कर रहे हैं। अगर समझाना ही है तो दुष्यंत चौटाला को क्यों नहीं समझाते, जो उनके हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनके MLA को क्यों नहीं समझा लेते? भारतीय जनता पार्टी भी यह बात समझ रही है कि यह बिल किसान के विरोध में है, उद्योगपतियों को हित में है। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने किसानों पर जुर्म करके शासन चलाना चाह रहा था, उसी प्रकार से आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रविशंकर जी कहते हैं कोड़े मारेंगे। अंग्रेज भी कोड़े मारते थे, हमने कोड़े सहे, अंततः कोड़ा खा के शहीद होके भारत के लोगों ने अंग्रेज को भगाया। वक्त अब वही आ गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं संभली, नरेंद्र मोदी नहीं संभले, चाहे वो कितने भी कोड़े बरसा ले, कितने भी गोलियों की बहसार कर ले, कितनों भी किसानों की मौत हो गई, लेकिन अंततः विजय किसानों को प्राप्त होगा। और यह गांव में चौपाल लगाने की नौटंकी छोड़े भारतीय जनता पार्टी, उनको पता है कि उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य नहीं समझ पाए जो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, उनके सहयोगी नहीं समझ पा रहे हैं, तो किसान कैसे समझें? किसान तो समझ चुके हैं किसान के विरोध में यह बिल है। जब किसान नहीं कह रहा है कि मेरे विरोध में बिल है, तो वापस लेने में क्या दिक्कत है? इस कानून को निरस्त करने में क्या दिक्कत है? यह कैसे समझा पाएंगे? नरेंद्र मोदी कभी खेत में गए हैं क्या? रविशंकर जी कभी खेत में गए हैं क्या? पीयूष गोयल कभी खेत में गए हैं क्या? नहीं गए। जो खेत में गए थे प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने इनको छोड़ दिया। जो खेत में जाने वाले दुष्यंत चौटाला के दादा थे, उनके पिताजी थे, वो थे किसान के परिवार से आते हैं, वो इनको छोड़ने की धमकी दे चुके हैं। अभी किनका इंतजार कर रहे हैं? मात्र 15 उद्योगपतियों के कारण पूरे देश के किसानों को बंधक क्यों बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? बात समझ में नहीं आ रहा है भारत के लोगों को। इसी चक्कर में भारत का अर्थव्यवस्था भी चौपट हुआ। पहले उन्होंने नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट किया, उसके बाद GST तोड़ मरोड़ के पेश किया, 14% पर हम लाने वाले थे, 28% लाया कि इन्होंने देश को बर्बाद किया। कोरोना काल में इनकी जो तरीके रहे हैं कोरोना से निपटने के, देश तबाही के कगार पर चला गया। और आज एक तो बच गया किसान, जिसके कारण हम सब जिंदा हैं, उनको यह मारने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करते हैं कि हठ धर्मिता त्यागिए, किसानों के हित के फैसले किसानों को लेने दीजिए, आप अपने तीनों काले कानून वापस लीजिए। NBC 24, सच की ताकत।